Audio Jungle. ट्रक यूनियनों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। अनूपगढ़ व रायसिनगर की जनता ट्रक यूनियन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। शहर के अंबेडकर चौक के पास अनूपगढ़ जनता ट्रक यूनियन एवं रायसिनगर जनता ट्रक यूनियन के प्रधान व सदस्यों ने ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज दूसरे दिन भी ट्रकों के चक्के जाम रखे। अनूपगढ़ जनता ट्रक यूनियन प्रधान सत्यनारायण डाल ने बताया कि अनूपगढ़ व रायसिनगर द्वारा संयुक्त रूप से हड़ताल जारी रखी। इस मौके पर रायसिनगर ट्रक यूनियन प्रधान अवतार सिंह, शंकर भादु, पेमाराम हंसराज चुग, मंजीत सिंह, बनवारीलाल, राजेंद्र सिंह, काला सिंह व रामकृष्ण आदि लोग मौजूद रहे। मामला आज हमारा जी मामला है जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुद्दा जो है, ये जो है सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ है। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है बढ़ते हुए डीजल को जीएसटी में लिया जाए और बीमे बढ़ते हुए बीमे के रेट घटाए जाएं और टीडीएस जो है वो ख़त्म किया जाए इस पे ट्रांसपोर्टेशन पे, और टोल टैक्स जो है रोड टैक्स सरकार ले रही है तो टोल टैक्स क्यों, उसको टोल टैक्स को बंद किया जाए। इसके अलावा काफ़ी समस्याएं हैं। तो ये आज आपको कितने दिन हो गए हड़ताल? हमारे आज दूसरा दिन है और अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी हमारी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। अनूपगढ़ जनता ट्रक यूनियन में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड है आपके पास? 225 गाड़ियां लगभग हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और इसमें हमारा क्या है रायसिनगर और अनूपगढ़ का संयुक्त जो है वो है लगाया हुआ धरना।